नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुरुज की डाइट, क्या खाएं क्या ना खाएं में। दोस्तों, लड़का हो या लड़की, फिट और परफेक्ट बॉडी शेप पाने के लिए अधिकतर लोग जिम ज्वाइन करते हैं। बहुत से लोग प्रोटीन शेक लेते हैं या सप्लीमेंट्स लेते हैं, लेकिन आपको हमेशा एक बात याद रखनी है कि प्रोटीन को खाना उतना महत्वपूर्ण नहीं है, ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसे पचाना। जब तक वो सही से डाइजेस्ट नहीं होगा, तब तक आपके शरीर को अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। और उसे सही से पचाने के लिए आपका पाचन तंत्र और लीवर स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। इसके साथ साथ आपकी बॉडी सही से ग्रो तब करेगी जब आप सही से वर्कआउट करेंगे, और वर्कआउट अच्छे से करने के लिए आपको ज़रूरत होती है ऊर्जा की, ताकि आप अपने वर्कआउट को और बेहतर तरीके से कर पाएं। तो अच्छी बॉडी बनाने के लिए हमारे पास दो चीज़ें होनी चाहिए, पहला मजबूत पाचन तंत्र और दूसरा वर्कआउट के लिए उचित मात्रा में ऊर्जा। तो इन दोनों चीज़ों को सही करने के लिए हम आपको बताने वाले हैं सिर्फ दो ऐसे जूस जिनका सेवन करके आप बड़ी आसानी से ज़बरदस्त बॉडी बना सकते हैं। दोस्तों, पहला जूस लेना है सुबह खाने के एक घंटे के बाद अनानास का जूस। सबसे पहले तो होगा क्या, अगर आप अनानास का जूस पीना शुरू कर देंगे तो अनानास का जूस आपका डाइजेस्टिव सिस्टम मजबूत करता है। बस आगे आपको कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सब कुछ समझ गए होंगे कि अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम मजबूत हुआ तो आपकी बॉडी बननी शुरू हो जाएगी। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है, यह आपकी भूख बढ़ा देगा। आपको 3 दिन में ही इसका रिजल्ट देखना शुरू हो जाएगा। ये जूस आपकी बॉडी की फालतू की चर्बी को भी कम करता है तथा आपको ऊर्जा प्रदान करता है। इसमें पाए जाने वाला विटामिन सी आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। अगर आप एक बड़ा अनानास ले लेते हैं तो उससे 2 से 3 दिन तक जूस बनाकर पी सकते हैं। अगर आप जूस नहीं बना सकते, आपके पास जूस बनाने वाला इक्विपमेंट नहीं है, तो आप उसे ऐसे ही खा सकते हैं। दूसरा जूस लेना है आपको पालक का। पालक का जूस ताकत का खजाना है। इसमें पाया जाता है लोहा यानी कि आयरन। अगर आपके शरीर में खून की कमी है, सही से ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है, तो ये कमी आपकी बॉडी नहीं बनने देगी, वहाँ काम करेगा ये पालक का जूस। क्योंकि प्रोटीन इसी ब्लड के द्वारा ही हमारे बॉडी पार्ट्स तक पहुँचता है। पालक शरीर में रक्त की मात्रा को बढ़ाता है, जिससे प्रोटीन ईजिली बाकी पार्ट्स तक पहुँचता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप थकान, कमजोरी, खून की कमी और कमज़ोर इम्यूनिटी सिस्टम जैसी समस्याओं से रोज़ जूझ रहे हैं, तो यकीन मानिए ये दोनों जूस आपकी इन समस्याओं को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे और आप एक अच्छी सेहत और दमदार बॉडी के मालिक होंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो ऐसे ही खास जानकारियां पाने और स्वस्थ रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ दोस्तों, बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। गुरु जी की डाइट में आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।